जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ जवानों के साथ हुआ बड़ा हादसा। सीआरपीएफ जवानों से भरा ट्रक गहरी खाई में गिरा, 15 जवान बुरी तरह हुए घायल। जम्मू कश्मीर के बडगाम में हुआ ये बड़ा हादसा। आज जम्मू कश्मीर के बडगाम में सीआरपीएफ जवानों पर उस वक्त संकट मंडरा गया जब उन्हें सेना का एक ट्रक ड्यूटी पर ले जा रहा था। फिर जैसे ही सेना की यह गाड़ी बडगाम जिले के पखेरपोरा इलाके में पहुंची तो वो अनियंत्रित हो गई और गहरी खाई में जा गिरी। आपको बता दें कि यह ट्रक पूरी तरह जवानों से भरा हुआ था और जैसे ही यह हादसा हुआ तो वहां स्थानीय लोग पहुंच गए और जवानों का रेस्क्यू शुरू किया गया। कम से कम 10:30 बजे ये वहां का हुआ। ये योसमर्ग से आ रही थी सीआरपीएफ की गाड़ी, तो उधर से आके सीधे इस नाले में घुस गया। तो जिसमें जो है रेस्क्यू अब सिविल और पुलिस था यहाँ सर, लगभग 20-20 क्या हालत थी अभी तो सीरियस बता रहे हैं। वो श्रीनगर रेफर हो गए पखरपुरा से। इससे पहले कम से कम 5 बार हुआ है। एक दफा गुजरात की गाड़ी आई थी, उसमें भी श्रीनगर की गाड़ी आ रही थी, 13 डेथ हो गई। उस टाइम तो हम चाहते हैं कि यहाँ बेडगेट होना चाहिए और कोई बांध स्टैंड और स्कूल गाड़ी भी एक दफा हो। इस हादसे को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि इस जगह पर पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ जवानों के साथ आज सुबह 10 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच में हादसा हुआ, जिसके बाद जवानों को श्रीनगर रेफर कर दिया गया था। वहीं से पहले भी सितंबर महीने में बडगांव में जवानों के साथ बड़ा हादसा हुआ था। बडगांव के वाटरहाल इलाके में चुनाव ड्यूटी में लगी एक बस खाई में गिर गई थी, जिसमें बीएसएफ के कई जवान शहीद हो गए थे। आपको बता दें कि यह हादसा तब हुआ था जब बीएसएफ की बस जवानों को लेकर जा रही थी। यह हादसा इतना भयानक था कि बस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और घटना में 4 बीएसएफ जवानों की शहादत भी हुई थी। न्यूज़ रिपोर्ट india.com।